मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 19 जून शाम साढ़े छह सात बजे के करीब अमृतनगर दरगाह रोड पर फातिमा बिल्डिंग में एक वारदात हुई है। स्थानीय समाज सेवक है मुमरा कौसा के मोहम्मद अहमद खान, जो अहमद मुख्तार अखबार के संपादक भी है, उनका अपना एक डिजिटल चैनल भी है और अक्सर समाज सेवा में रहते हैं। इनकी पत्नी है नाज खान, जो कि ज़्यादातर नाज गोलंदाज के नाम से जानी जाती है। इनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ करने वाले फ्रॉडिये लोग हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, जिनकी खबर हमने कुछ अरसा पहले आपको दिखाई थी। रशीद कंपाउंड में लाखों रुपए भाड़ा के बिल्डिंगों में फ्लैट दिलाने के नाम पर अफसर शेख उर्फ अफसर डायरी ने इन महिलाओं से लिए थे और पैसा देने के नाम पर घर पर बुला करके इन महिलाओं के साथ उस वक्त मारपीट की गई थी। उसके बाद ये मामला पुलिस में पहुंचा था। पुलिस में पहुंचने के बाद इसमें अफसर शेख ने पैसा देना स्वीकारा था और बाकायदा उसने लिखा पढ़ी करके 21 लाख रुपए की रकम, अलग अलग 5-6 औरतें थी उनकी ये रकम देने की बात उसने स्वीकारी थी और ये पूरा मामला जो है सुलझाया था समाज सेवक मोहम्मद अहमद खान और उनकी पत्नी नाज खान ने। लेकिन 19 जून को ही पैसा देने की तारीख थी। अफसर शेख और डायरी से जो है मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि भाई आज तुमने पैसा देने का उनको वादा किया है तो आप उनको पैसा दे दो, पैसा नहीं देंगे तो फिर मजबूरन कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगी। बस इसी बात से गुस्सा होकर के और इसी बात से जो है नाराज होकर के अफसर डायरी और उनके अन्य साथियों ने मिल करके 19 जून शाम 6:30-7 बजे के करीब दरगाह रोड स्थित उनके इस कार्यालय पर तोड़फोड़ की है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से पूरी वारदात हुई है, अहमद भाई से हम बात करेंगे। नेताजी क्या बताएंगे, क्या पूरा मामला है, क्या है ये मामला? ऐसा है कि अफसर डायरी जो है वो रमज़ान के टाइम पे मेरे पास आया और बोला कि मेरा ये मैटर है, तो 3-4 औरतें इनका पैसा देने का है, खाली मेरे को टाइम दिलवा दो और टाइम दिलाने के बाद में मैं इनका पैसा दे दूँगा। तो वो पैसा दिया नहीं, तारीख पे तारीख वो देता गया और देने के बाद में कल शनिचर के दिन जो है पैसा देने का वादा था और 19 जून का और ये जाकर जो है रामचंद्र वड़तकर जो क्राइम ऑफिसर है, क्राइम मुमरा पुलिस स्टेशन के, इनसे जाके मिलाकर क्या मालूम क्या बात हुई, क्या हुआ और उसी दौरान जो है ये लोग यहाँ आके तोड़मताड़ी करे और उसके बाद में ये वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद में मेरे खिलाफ़ कंप्लेन दे रहा है एनसी की है उसने वहाँ पर। तो ये बात मेरे को मालूम नहीं थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब मेरे को मुमरा पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, वो नंबर मेरे पास है रखा हुआ, तो मैं गया तो मालूम पड़ा कि ये इसका जो है कुछ बातचीत चालू है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि रामचंद्र वड़तकर जो है ये अफसर डायरी का सपोर्ट क्यों करता है। बागदा अफसर डायरी बोल रहा है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग के अंदर बोल रहा है कि मेरा मैं 4 लाख रुपया उनसे लेने का हूँ, 4 लाख रुपया उनको दिया है। और कुछ औरतें ये बताती है कि वो सामान देता है, पैसा देता है, ये देता है। तो चोर लोग को बचाने के लिए अच्छा तोड़म ताड़ी भी किए लोगों ने। मैं बागदा चौकी के अंदर 6:30 बजे से लेकर और सुबह में 6 बजे तक बागदा वहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं 12 घंटा खड़ा हुआ कि मेरा FIR दर्ज करो तो नहीं करे। अच्छा। उसके अंदर जो है वड़तकर साहब ने उनको बोले स्टेशन हाउस में इंचार्ज कौन था, पहला पाटिल था। अच्छा। संगम पाटिल थे। अच्छा। संगम पाटिल को उन्होंने मना करे। संगम पाटिल बोले कि अब एक काम करो, 9 बजे के बाद में सब लोग आ जाएंगे, तुम्हारा वो ले लेंगे। तो उनका नाम क्या है, कामले। हाँ। कामले लिए, कामले रात भर मेरे को वहाँ पर खड़ा करे, बाकी FIR दर्ज नहीं हुआ। अच्छा। बोले भाई वड़तकर साहब ने मेरे को मना करे। हाँ। FIR लेने का नहीं। अच्छा। तो ये क्या है, ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है, ये मुमरा पुलिस के अंदर यही चलता रहेगा क्या? जो जो NC वाले से 1000 रुपया जो भी रहेगा पैसा लेने का, ये क्या कहाँ का ये इंसाफ है? ये लोग इंसाफ के लिए जाते हैं वहां पर, शिकायत दर्ज कराने के लिए खुला पैसों का खेल चलता है, खुला पैसों का खेल। बागदा मैं इसका रिकॉर्डिंग आपको दूंगा, सारी चीजें मेरे पास है। मैं बागदा अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, मैं इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन डालूंगा। अहमद भाई,
अहमद भाई, एक मैं आपने जिस बात का जिक्र किया रिकॉर्डिंग का, तो जिस वक्त हमने वो खबर कवर की थी, ये जिन महिलाओं के पैसे थे, तो उस वक्त उनमें से एक महिला ने हमें बाकायदा वो रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जिसमें अफसर डायरी उस महिला से कह रहा है कि वलतकर साहब से मुझे 4 लाख रुपया आने हैं, मुझे 4 लाख रुपया लेने हैं, वो लूंगा तो फिर मैं आपको पैसे दूंगा। क्या आप उसी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे? वही रिकॉर्डिंग है। और बाकायदा जो है चोर लोग का अड्डा बन गया मुमरा पॉलिटिशियन, ये क्या है ये? अरे हम लोग भी यहाँ पर 40 सालों से रह रहे, बाकी हमने इस तरीके की दलाली बिलाली, वहाँ दलालों को चाय पिलाया जाता है, वहाँ पर लेन देन होती है, इतनी बड़ी बड़ी लेन देन, और अफसर डायरी को दूध का दूल्हा हुआ है, उसको बाकायदा गाड़ी में फिराते, गाड़ी में उसको घुमाते, पुलिस की जिम में बाकायदा, मैं तुमको वो भी बताऊंगा मैं, जबकि वो धोखाधड़ी और फ्रॉड के लिए एकदम कुख्यात है। हाँ, तो वो पुलिस के लिए फायदेमंद है भाई, वो लाखों रुपया दे रहा है, वो खुद भी बोलता है। आप पूछो वो जो लेडीज लोग हैं जिनका मेरे को नाम भी नहीं मालूम है, उन लोगों से पूछो, वो बताएंगे तुम्हारे को आगे की दास्तान क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप। हाँ भाई बोलो, कौन किसे? आया था आपके ससुर ने, आया था संदीप, मैं सब वो दिया था मेरे को, ऐसा आपको देने ये वाला सर सबके पास उनसे लेने का ना 4 लाख रुपये मेरे को। हेलो, हाँ 4 लाख रुपये मेरे को लेना है ना सबसे, बोला सर सबके पास, समझे? तो मेरे को बोले तो उतना अर्जेंट क्या मांगते, मतलब सर मेरे को 50,000 रुपये उनको देने का अर्जेंट में, समझे? बाकी पैसा बाद में देने के, लेकिन 50,000 अभी देने के, समझे? तो मेरे को बोले रुक जा, मैं देखता हूँ, दिन रुक बोले देखा क्या सर, तुम आ जाओ जल्दी आ जाओ ना, कहाँ पे आपके सामने बैठ, आपके सामने बैठा हूँ मैं। हाँ हाँ आ रही सर, बोले सर तुम आ जाओ ना जल्दी आ जाओ ना, कहाँ पे आपके सामने बैठ, आपके सामने बैठा हूँ मैं। नाथ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? कल रफीक भाई की दर्ज नहीं हुई, तोड़फोड़ भी हुई ऑफिस की। रफीक भाई आप जानते हैं, अपन लोग सब पत्रकार मिलके चौकी में गए थे, वहाँ पे अफसर डायरी का मामला चल रहा था, उसी दौरान में अफसर डायरी मेरे पास में आया, ना जापा मेरे को बचा लो। हाँ, और वो एक लेडीज़ ने मेरे को रिकॉर्डिंग दी वलकर साहब की, तो मैं बोली मैं उनको अपने बाप बोलती हूँ, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग फ़ौरन वलकर साहब के इस पर भेज दी व्हाट्सअप पर कि सर सुनो आपका नाम आ रहा है। तो फिर वलकर साहब मेरी ऑफिस में आए, बेटा अपने ना से सब मामला सॉल्व कर दे, और हकीकत मैंने पूरा सॉल्व भी कर दी। अच्छा। लेकिन जो इसने 25 तारीख का वादा किया था पैसा देने का, तो 25 तारीख से इतवार कभी पीर कभी सोमवार कभी 17 कभी 18 ये चलते गया, कल भी उन लोगों को पैसा देने का वादा था। अच्छा। और इसने जाके मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट कराया। आप दोनों के खिलाफ? हम दोनों के खिलाफ जी। उसके दौरान में पहले मेरे को 2 बजे का टाइम था, जो मैं कचरा सफाई के इसमें लगी हुई थी, मैं और नेताजी और मेरे पत्रकार साथ में थे, तो हम लोग ने वहाँ के जो कचरा वाले जो अधिकारी हैं उन लोग को पुलिस ने आके वहाँ पे लेके गई पुलिस चौकी में। हम लोग ने फ़ोन करे पुलिस को कि ये लोग को देखो दादागिरी कर रहे, तो उस दौरान में मैं चली गई वहाँ पे, तो मेरे को वलकर साहब बुलाए ना कैबिन में, मैं गई वहाँ पे जाके बैठी, तो मेरे पीछे अफसर आया, मेरे को बोले सर, बोले अफसर का क्या करने का है? मैं बोली सर क्या करने का, मेरे को इससे बात ही नहीं करने की, झूठा है ये बोल के मैं निकल गई वहाँ से। उन्होंने पेड़ा भी दिए, मैं पेड़ा भी खाई, तो वहाँ से मैं निकली, और थोड़े देर में जैसा मैं हमेशा वलकर साहब से बात हंसी मजाक करती हूँ, तो मैं गाड़ी के पास आकर ऐसा खड़ी हो गई कि अब ये गाड़ी नहीं जाएंगी, जाएंगी तो मेरे लाश पे से जाएंगी, मतलब मजाक हंसी चल रही थी। उस दौरान में अफसर डायरी को गाड़ी में इन्होंने बिठा के बाहर छोड़ कर आए, अब कहाँ छोड़े ये मुझे पता नहीं। फिर वहाँ पर छोड़ के आने में थोड़ा में गाड़ी आई, जब भी मैं चौकी में थी, फिर मेरे को मालूम नहीं था कि ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं हम लोगों के साथ में। तो रफीक भाई, वलकर साहब का सर पे हाथ है, इसलिए इतना नंगा नाच नाच रहा है, और मेरे FRI नहीं हुई मेरी ऑफिस की दो तोड़ा फोड़ की, तो इससे बुरा मैं नाच नाच आके दिखाऊंगी लोगों को। 500 लाख रुपए का घपला, 500 लाख रुपए का घपला, पुलिस उसको इतना सपोर्ट देती है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये अपने समझ के बाहर है, लोग है ना पुलिस स्टेशन में अपनी मदद के लिए जाते है। ये जो अफसर डायरी, ये जो दो लेडीजों को या सभी को भी, मैं वलकर साहब के कैबिन में हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमका हूँ, मैं वलकर साहब से बात करता हूँ, और अभी चलतम में एक जो आंद्रे सर है हमारे, बहुत अच्छे ऑफिसर है, जहाँ तक मैंने उनका काम देखी हूँ, मैं उनको बोली कि ऐसे ऑफिसर हमारे मुमरा के लिए चाहिए। अब ये क्या करता है, वो बुड्ढी को फ़ोन लगाया, वो भी रिकॉर्डिंग मैं दूंगी, मैं आंद्रे सर को दे चुकी हूँ सब रिकॉर्डिंग, वलकर साहब आंद्रे साहब को दे चुकी मैंने कल रात ही में। अच्छा। बोले क्या वो, मैं आंद्रे साहब के पास मैं आया हूँ, खाला एक काम करो तुम अकेले आ जाना, किसी को लेके मत आना, फलाना नहीं करना, और अफसर डायरी कभी खाला को अलग बात, कभी मेरे को अलग बात, कभी वलकर साहब को अलग बात, तो इतना वलकर साहब इसको सपोर्ट क्यों कर रहे?
अहमद भाई, कल 6:30-7 बजे के दरमियान आपके ऑफिस पर हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, कौन कौन अफसर डायरी के साथ थे उस हमले में, कुछ पता है आपको? अफसर डायरी के साथ में उसका बहन ही है, मुनीर अंसारी। अच्छा, जो कांग्रेस के पदाधिकारी खुद को कहते हैं। हाँ, कांग्रेस का पदाधिकारी। अच्छा। और उसके साथ में 2 जना और थे। हाँ, और ये भागदड़ जो है ये पुलिस की मिली भगत से हुआ है, और ऐसा हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ना रात भर FIR लिए नहीं। अच्छा। FIR हुई नहीं मेरी, मैं रात भर सुबह 6 बजे तक यानी 12 घंटा खड़ा रहा मैं। यानी आपका सीधा सीधा और खुला खुला आरोप है कि वलतकर साहब की शह पर आकर के अफसर डायरी मुनीर अंसारी ने आकर के यहाँ ऑफिस पर तोड़फोड़ की है, और उसके बावजूद आपकी शिकायत को उन्होंने सुनवाई तक नहीं। नहीं नहीं, ये एकदम 100% है, इसका भाग है, इसकी जाँच होना चाहिए, और जाँच होगी तो मालूम पड़ेगा। मैंने कंट्रोल में फोन करी, मैंने थाना क्राइम में फोन करी कि यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी एक ऑफिस शिवसेना की है, मैं कलवा मुमरा विधानसभा मेरा पद है, मेरे शिवसेना के ऑफिस में लोगों ने धांधल करे तो इसकी तो बन सकती है ना। लेकिन वलकर साहब ने रात में 4:30-4:30 बजे वो आए राउंड अप पे से, और आके बस जाके आराम से सो गए। तो ये सीनियर साहब का ये बोलना है कि अगर एक बार थोड़ा मेरे शोहर की तड़ी पड़ी निकली थी, जब भी मेरे फर्स्ट टाइम तक मधुकर साहब से, तो मैंने उनको फ़ोन लगा दी थी, मैंने उन्हीं को नहीं, ACP साहब, DCP साहब सबको फ़ोन लगाई थी। तो मॉर्निंग में वो उनकी मेरी मुलाकात पहली हुई, तो उन्होंने बोले मैडम आपने रात में फ़ोन क्यों लगाए थे, तो मैंने सर यहाँ पे थोड़ा मेरे हस्बैंड को लेकर थोड़ा था वो बारे में मैंने फ़ोन की। तो बोले देखो मैडम हम लोगों को रात में फ़ोन नहीं लगाना। तो मैं बोली क्यों ऐसा, तो बोले क्या ना मेरे जो ऑफिसर लोग हैं ना उन लोग सब सट कर लेते। तो मेरी सर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुमरा चौकी में सीनियर रात में ही काम बजाता है, ये मुमरा चौकी का रिकॉर्ड है, और आप नए हैं ना, आप मेरे को जानते ना मैं आपको जानती हूँ, ये उस वक्त की बात है। हाँ। तो ये आज ऐसा क्यों कि मुमरा चौकी के जो ऑफिसर लोग ने रात भर हम लेडीज़ों को बिठाए, उनके सामने हम लोग ने खाना खाए, पानी उनसे मंग के पिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो वलकर साहब का हाथ पूरा अफसर डायरी पे है। अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि ये तीनों को यहाँ से जो है इनकी जांच होए, और जांच होने के बाद में इनको यहाँ से जो है सस्पेंड करे, या तो फिर इनको ट्रांसफर करे। PI रामचंद्र वलतकर, हाँ, PSI संगम पाटिल, हाँ, और PSI बाबा साहेब कामले, इन तीनों। हाँ, और नहीं होगा मैं आंदोलन करूंगा बागेदम मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने। और वलकर साहब का बोलना ये है रफीक भाई, क्या मैंने हमेशा इन लोगों को सपोर्ट किया हूँ, तो भाई मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ उन्होंने सपोर्ट मेरे को क्या किए। मैं जब भी कोई भी आंदोलन करने जाऊँ तो ये पहले से स्टेटमेंट बना दे वे अहमद नेता थोड़ा सा संभल जा, जान दे मत कर आंदोलन, पुलिस मित्र बन, कभी सपोर्ट कर तो हमेशा क्यों अगेंस्ट जाता। तो ये सपोर्ट उन्होंने मेरे को ये किए जब भी मेरे आंदोलन इन्होंने कैंसिल कराए, मेरे को कोई भी चीज़ में मेरे को परमिशन इन्होंने नहीं दिए आज तक के। तो वलकर साहब ये सपोर्ट मेरे को करते आए आज तक, ये लोगों को बता रहे मैंने सपोर्ट किया, मैंने सपोर्ट क्या सपोर्ट किए, जबकि रोके। ये उनका काम है, क्योंकि सबको मालूम था कि वलकर साहब से अहमद नेता बात मान लेंगे, तो आप ये नहीं चलेगा, पुलिस का गुंडा राज अभी मुमरा में नहीं चलेगा। और मैं पूरे प्रूफ के साथ में उतरी हूँ अफसर डायरी, जो जो बताया है वलकर साहब को क्या दिया है सबका मैं प्रूफ ले ली हूँ अभी। अब मेरे को लड़ना है और सीनियर वलकर साहब से बताना है कि अब मुमरा में खेल खत्म। रफीक भाई आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि पुलिस और पैसा ले लेती है, सामने वाले जो भी सेटलमेंट करने आते हैं उनसे ले लेती है, और लास्ट में क्या बोलती है सामने वाले को, उन लोगों ने हम लोग को 1 रुपया नहीं दिए। हाँ। और पूरा केस का सत्यानाश कर देती है, लास्ट तलक सामने वाले को निचोड़ डालती है पुलिस। नहीं, आप कुछ बता रहे थे बगैर पैसे लिए FIR दर्ज नहीं होती है, बगैर पैसे लिए और पैसे भी कितने, 30,000, 20,000, 25,000। रफीक भाई ऐसे पे FIR और NC होती है, ये मुमरा पुलिस का रिकॉर्ड बन गया रफीक भाई, काम करने का तरीका बन गया। और इसको अब मैं रोकूंगी रफीक भाई। आप थाने के नव नियुक्त आयुक्त है जयजीत सिंह जी, जोन 1 के उपायुक्त है अविनाश अंबुरी जी, तो मुमरा पुलिस के इस कामकाज की पद्धति और रवैये को लेकर के उनसे क्या अपील करोगी सुधार के लिए? मैं उनसे ये बोलूंगी कि सर इस चीज को रोको, क्या मुमरा पुलिस पैसा लिए बगैर कोई काम नहीं करती है। अभी सुबह की बात है रफीक भाई, एक लड़का था उसने खुद आके NC किया, एक लड़के ने काम पे लेके गया बच्चे को,
तो 500 रुपए में डील हुई थी, तो उसने बोला 11 बज गए ना, तो देखो मैं 700 दे देता हूँ। उसने क्या कर दिया, सामने लेने लड़ाई झगड़ाई हुई दोनों में आपस में, उन लोगों ने 1000 रुपए दे दिए। सब लोगों ने बोले भाई 1000 रुपए दे दे जान दे। वो बंदे ने आके एनसी किया, दूसरे दिन पुलिस ने उन लोग को लड़के को उठा के लाई, और वो लड़के ने ब्लेड, यहाँ का तो तरीका चल रहा है, ब्लेड में मुंह में सब जगह ब्लेड रखते हैं। पुलिस ने वो बच्चे को रात भर रखी, सुबह में उसको छोड़ने का वादा करी, बल्कि मैंने खुद फोन लगाई क्या आपके ना हम आप आ जाओ, कामरे सर बुला रहे। और सुबह में लड़की औरत का फोन आता है मेरे को, आपा मेरे पास में 100 रुपए की जो है पैसा नहीं है, और कामरे साहब छोड़ने रहे। तो सर रफीक भाई ये काम हो रहा है मुंडा पुलिस में, यानी उनको पैसा चाहिए था, पैसा तो वो लड़के को छोड़ते। हाँ, यानी सामने से भी खाएंगे और गरीब लोगों से भी खाएंगे। ये तरीका बिल्कुल मैं बंद कर दूंगी रफीक भाई, इंशाल्लाह, क्योंकि मैं अपने हाथों से बहुत बार काम करी, लेकिन मुंडा पुलिस पैसा लेने का बोलती है 1 रुपया नहीं हम लोग को देते हैं लोग, ठीक है। तो हम लोगों की सबों की भी बदनामी हो रही है, बराबर इनके जेब में जाता है, लोग थैलियों में लेते हैं, हाथ में पैसे तो पकड़ते नहीं है। हाँ, ड्रॉवर में लेते हैं, ड्रॉवर में लेंगे, बुक में लेंगे, कपड़े में या तो पेपर में लेंगे, पेपर में लेंगे। ये तरीका मुंडा पुलिस का है, ठीक। तो ये चीज को आप हम लोग सब मिलके इसको रोकेंगे इंशाल्लाह।